हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स का पेपर एनालिसिस। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप अपने लेवल पर उसको सर्च करें तो आपको कुछ अलग ही आंसर मिले। तो देखो फिलोसफी में ना ये डाउट होते रहते हैं, बट फिर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उसको राइट आंसर मतलब किस हिसाब से उसको मतलब चेक करेगा और आंसर कौन सा सही मानेगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक राइट आंसर के साथ आंसर किस प्रोवाइड कराए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में एक लाइक करके जरूर जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। और शेयर जरूर कर लेना है जिन भी स्टूडेंट को आप शेयर करना चाहते हैं कि भाई आंसर की आगे, इनको उन लोगों को शेयर कर देना एंड देन सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 75 क्वेश्चन आपके हैं जैसे फर्स्ट पेपर में थे, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर की हम ऑलरेडी आंसर किस बना चुके हैं, उसको जाकर के देख लेना, वीडियो के एंड में शो कर दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जो कथन ए और कारण आर यानी कि उसमें कथन और कारण दिए गए हैं, इनमें से आपको मैच करके सही आंसर निकालना है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या पूछेगा, यथार्थवाद चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु शक्ति है, ठीक है। नव यथार्थवाद मानते हैं कि गैर राज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसमें मेन पॉइंट पर पावर्स को रखा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, डेविड स्टर्न। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रतिमान मार्टिन कैपलन द्वारा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, त्रिध्रुवीय व्यवस्था, ठीक है। बाकी जो तीन है वो सब मार्टिन कैपलन के द्वारा दिए गए प्रतिमान है, दिए गए उनके मेजरमेंट है, बट यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। त्रिध्रुवीय व्यवस्था उन्होंने नहीं दी, यानी कि ट्राइपोलर सिस्टम उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मैगस्टर्सन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस काल में द्वितीय शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस काल को सेकेंड कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1979 से 1985। हो सकता है आपको, आप जब सर्च करो, आप 10 किताबें पढ़ो के आंसर को ढूंढने के लिए, तो आपको 1986 तक भी मिलेगा, लेकिन एक साल या 19-20 तक का जो भी डिफरेंसेस होता है वो ज़्यादा मतलब सोचनीय नहीं होता है कि आप बैठ करके सोचने लगो कि मैडम तो यहाँ पे 85 बता रहे बट यहाँ पे तो 86 लिखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि देखो 10 किताबें होंगी, 10 किताबें में आप 10 क्वेश्चन के आंसर जब ढूंढने के लिए निकलोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 6। तो 6 कौन कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह जो सूक्ति है, जो स्टेटमेंट है, फेरस एक किसके द्वारा दिया गया है या किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, शक्ति संतुलन की, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई आप जितना बैलेंस लेके चलोगे पावर्स में, सामने वाला भी उसी लेवल पर आपको कॉर्पोरेट करेगा। आप उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, तो देखो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1974, यानी कि 18 मई, अगर मैं आपको डेट भी बताऊं तो 18 मई 1974 यानी कि 1974 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोह आवरण की अवधारणा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसस्नोस्ट तथा पोरोस्ट्राइका की नीति का आरंभ किसने किया। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन, किसने विचारधारा के मिलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन यहाँ पर जब हम 11 की बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑप्शन को लेकर के, बिकॉज ऑफ जब हम इसके बारे में सर्च करते हैं तो प्रोफेसर क्लार्क केर नजर आते हैं और किताबों में भी यही देखने को मिलते हैं, बट हेनरी ए किसिंजर किस आधार पर है, थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअल जो आंसर है इसका वो प्रोफेसर क्लार्क केर ही आएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, हेनरी ए किसिंजर भी डाउट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा कि लिंगों की लड़ाई में कभी कोई नहीं जीतेगा, शत्रु के साथ बहुत अधिक भाईचारा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो बैटल है जेंडर को लेकर जो बैटल है उसमें कोई नहीं जीतता है, तो ये किसका स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, हेनरी किसिंजर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ताशकंद समझौता भारत के किस देश के साथ मध्य हुआ, मतलब किस देश के बीच में हुआ, भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। किसने कहा कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति अनैतिक है, यानी कि इमोरल है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू हुई, तो ये बिल्कुल करंटली पॉलिसी है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 2014 में जब इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था तब से ही ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब इसमें ये शुरू हुई, ठीक है। अब ये क्या है नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है, अगर आप थोड़ा सा भी क्यूरियस हो कि भाई ये क्या चीज है, तो आपको ढूंढना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताने कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्चुअल में क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने भूमंडलीकरण की निंदा की, तो यहां पर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसकी है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्विंसी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट पावर के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, सॉफ्ट पावर के यानी कि यहाँ पे पावर की ही बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सी का मतलब स्टार्टिंग के जो तीन हैं वो इससे रिलेट करते हैं सॉफ्ट पावर, जबकि सॉफ्ट पावर आदर्शवाद का ही एक रूप है, ये इससे रिलेट नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्ट पावर इज नॉट ए आइडियोलॉजी, ये जस्ट ए पार्ट ऑफ पावर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसको पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है, ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य निशस्त्रीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार निम्न में से कौन सा बाह्य खतरे का कारक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी यानी कि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन ही इससे रिलेट करते हैं, सैन्य खतरा, युद्ध का खतरा, शक्ति संतुलन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से सौदेबाजी सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मतलब नॉट इज रिलेटेड ऑफ सौदेबाजी सिद्धांत, सौदेबाजी से यानी कि ब्रैंगिंग थ्योरी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रोजर फिशर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी नहीं है, तो ऑप्शन भी यहां पर देखो भाई ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है। WTO इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, लेकिन यहां पर जो OPEC है वो फिर इसका आंसर रिलेट करता है, क्योंकि OPEC आपको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है बिकॉज ऑफ जितना भी हमने सर्च किया जो किताबों में और जो नेट से हमने सर्च किया, तो यहाँ पर ऑप्शन में WTO निकल करके आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UNO की, ठीक है, बट OPEC भी हम इसको मान सकते हैं क्योंकि OPEC कहीं पर भी हमें UNO की एजेंसी में दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यानी कि जो मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वैश्विकवाद, गैर राज्यकर्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से आसियान के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कि भारत वर्ष 1991 में ओशियन का पूर्ण संवाद सहभागी बन गया था, तो इस ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं ये सब ओशियन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख ला, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपागम को परंपरागत उपागमों के विरुद्ध एक आंदोलन या क्रांति के रूप में सराहा गया, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक ने युद्ध की अपरिहार्यता का प्रबल समर्थक किया, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हिटलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद विचारक नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, केनेथ वॉल्टर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजनेता ने कहा कि हमारे न स्थायी मित्र हैं न स्थायी शत्रु हैं बल्कि स्थायी हित है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल इंटरेस्ट को ही फोकस करते हैं, हम किसी एनिमीज को फोकस नहीं करते, किसी मित्र को, फ्रेंडशिप को फोकस नहीं करते, तो किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड पामिस्टन। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही कर सकता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत कहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 G20 सम्मेलन की थीम थी, ये तो बहुत ही करंटली क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, वासुदेव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन देखिए, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हिंद महासागर, ठीक है, जब आप ढूंढोगे ना तो उसी वहीं पे मिलेगा, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महेंद्र कुमार। ये जो आपको डेफिनेशन नजर आ रही है ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की सुरक्षा का प्रयास करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष में है, तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महेंद्र कुमार।
किसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध संक्रमण कालीन विश्व समुदाय का अध्ययन है? ऑप्शन का डी सही होगा, पामर एवं पार्किंस। अगला क्वेश्चन देखिए कि यथार्थवाद का जनक किसको कहा जाता है? अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो भी कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, क्योंकि जब आप यथार्थवाद की यानी कि फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ रियलिज्म को सर्च करते हैं तो हेनरिक इब्सन आपको सर्च में नजर आ जाएगा कि फादर ऑफ, देखो ये फादर ऑफ मॉडर्निज्म भी कहे जाते हैं, बट कंसिडर द फादर ऑफ रियलिज्म, कंसिडर इनको मतलब इनको कंसिडर किया गया है फादर ऑफ रियलिज्म के लिए। अब यहां पर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा सही रहेगा, बट ये डिपेंड करता है अब एग्जामिनर इसको कौन सा सही मतलब मानेगा। इसमें कंफ्यूजन तो है, कुछ क्वेश्चन है जो इसमें कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, डाउट से भरे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रैक सेकंड कूटनीति में मुख्य भूमिका कौन, मुख्य भूमिका कर्ता कौन होता है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट है, दोनों को रिलेट करना है, सही है गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ए असत्य है लेकिन जो आर है वो सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है, वो सिक्योरिटी काउंसिल का था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में नीचे दिए गए जो भी वाक्य हैं उन पर आपको विचार करना है और सही और गलत को देखना, मतलब कौन से सही है, क्या रिलेट करता है। तो यहाँ पर कि परिषद यूरोपियन यूनियन की निर्णय निर्मात्री संस्था है, कोई निर्णय लेने के लिए सभी 28 देशों का सहमत होना आवश्यक है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ए और दो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने गुटनिरपेक्षता की नीति को गुटों के बाहर रहने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जॉर्ज स्वार्जनर बर्गर। अगला क्वेश्चन देखिए कि जितने भी ये भी स्टेटमेंट आपको रिलेट करना है, पहले कि गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के दौरान ज्यादा प्रभावी थी क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश धार्मिक और निर्जातीय के आधार पर बटे हुए थे, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के उदय के लिए निम्न से कौन जवाब दे है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर। भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत स्थिति चेंज हुई है पूरे विश्व की। WTO, अगला क्वेश्चन देखिए कि WTO कब अस्तित्व में आ गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में है? तो 43 का सी सही हो जाएगा, 1995। और यहां पर आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि हां 44 पे ये क्वेश्चन है तो मेरे तो सीरीज में ये 44 पे नहीं आ रहा है, आपका किसी और नंबर पे क्वेश्चन होगा, सीरीज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि शीत युद्ध के कारण के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन इसका यहां पर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी केवल चार का मतलब सारे, वैचारिक मतभेद, बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी का विभाजन, तो ये सारे के सारे रिलेट करते हैं कोल्ड वॉर के कॉजेस से। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, द्विध्रुवीय विश्व यानी कि बायोपोलर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता देता है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हॉफसन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस संस्था के तर्क में अंतरराष्ट्रीयतावाद की अवधारणा का सार निहित है? तो 47 का डी सही हो जाएगा, यहाँ पे डी का मतलब ए और बी दोनों, यूनाइटेड नेशन और लीग ऑफ नेशन दोनों इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर से आशय क्या है? ये है यूएन का संविधान, यानी कि बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। चार्टर का मतलब क्या होता है? जहां पे नियम कानून सब कुछ लिखे रहते हैं, सो बेसिकली वो क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि WTO निम्न में से किस संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गेट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसने राजनीति के संदर्भ में शक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शक्ति से आशय एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यों पर नियंत्रण बताया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हैंस मार्गेंथो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्लन के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था का किसे अन्य व्यवस्था में परिवर्तन की सर्वाधिक संभावना एक स्टेटमेंट है, और ये किसके आधार पर दिया गया है, किससे रिलेट है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, द्विध्रुवीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मालदीव, ठीक है, बाकी म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान तो इससे रिलेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालफोर घोषणा क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इजराइल फिलिस्तीन के मध्य सीमा निर्धारण संबंधी घोषणा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व व्यापार संगठन समझौतों में कार्यान्वयन के देखरेख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सुम, विश्व व्यापार संगठन। तो
WTO खुद ही इसको देखता है, खुद ही मतलब इसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो खुद से ही लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रांड कमीशन का संबंध है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उत्तर दक्षिण संवाद से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वैश्विक तापन से। पृथ्वी सम्मेलन है ठीक है, जियो सबमिट हो रहा है कहीं पर भी, अर्थ सबमिट हो रहा है, तो वो किस रिलेटेड होगा, सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कितने देश सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पांच। पांचों के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं, ये नहीं बताओगे तो क्या करोगे भाई यार, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है दक्षिण संगठन है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण एशिया देशों का एक समूह। अगला क्वेश्चन है भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना, ऑप्शन इसका ए सही होगा, 2017 में ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन देखिए मोदियों की माला किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है, तो ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, चीन। दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, यानी कि गरीबी विकसित देशों में सहयोग करना, अल्प विकसित देशों में विकास करना, तो इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1951। निम्न में से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन आप सोचोगे भाई यूरोप में आता है फिर यूरोपियन नहीं, ब्रिटेन ब्रेक्सिट से सम्मिलित है, यूरोपियन यूनियन से नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा देश मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मलेशिया। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर किसने लिखी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सैमुअल हटिंगटन। निम्न में से कौन सा संगठन मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नीचे कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट आपको सही और गलत मतलब एडजस्ट करने, कारण और कथन को रिलेट करते हुए कि सही है गलत है मैचिंग है क्या है। कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है, कारण दिया गया कि आतंकवाद सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा की पारंपरिक विधि नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अस्त्र नियंत्रण, क्योंकि निशस्त्रीकरण भी ट्रेडिशनल वेपन्स जो थ्योरी है वो पुरानी है, प्रवासन विश्वास बहाली सब पुरानी है, बल्कि अस्त्र नियंत्रण पुराने में ट्रेडिशन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदर्शवाद उपागम नैतिकता का समर्थन करती है, क्योंकि कारण इंडिया की इस उपागम के अनुसार नैतिकता विकास की ओर ले जाती है, तो ऑप्शन का ये सही हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा उपागम उदारवाद के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में था, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अर्जेंटीना मेक्सिको दक्षिण अफ्रीका और टर्की। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, दक्षिण कोरिया। और अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 75 कि निम्न में से कौन सा यूनाइटेड नेशन के सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, आर्थिक विकास, ए का मतलब होता है केवल एक और दो ठीक है, जवाब दे उपभोग उत्पादन इज नॉट रिलेटेड ऑफ यूनाइटेड नेशन टारगेट, तो बाकी दो सही है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे, तो मैच करने के बाद में आपके कितने सही है, देखो जिनमें डाउट है ना हम उनकी बात नहीं करें, क्योंकि डाउट वाले क्वेश्चन हम उससे काउंट नहीं कर रहे हैं, दो चार है ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन, बट आपके जितने भी एक्यूरेट आंसर है कितने गलत है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बाकी हमारी वीडियो से आपको जितनी भी हेल्प मिलती है उसके लिए भी एक लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको लेकर के एक अलग से वीडियो डिस्कस कर लेंगे ठीक है, उसमें देख लेंगे कि डाउट क्यों है, क्यों आता है डाउट, इसको लेकर के एक इंडिविजुअल वीडियो हम आप मतलब बना देंगे ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।